गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम नया चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने, उसका एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। हेयर अ सीन ऑफ प्राइमरी स्कूल इन अ विलेज इज गिवन। एक गांव है, उसके अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, एक छोटे बच्चों की जो स्कूल है उसका एक सीन दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इन द क्लास ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन वेरियस मैनर्स। इस क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो अलग अलग तरीके से बैठे हैं, ठीक है। नाउ सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। क्या बोला कि इस पिक्चर को देखो और इसके जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उसको आंसर करो, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हमने पोजीशंस पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस पढ़ी थी हमने, कि कौन सी चीज़ किसके आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिहाइंड, अहेड, फ्रंट, बैक या अप डाउन, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टूडेंट किस स्टूडेंट के आगे है, या किस स्टूडेंट के पास में कौन सा स्टूडेंट बैठा है, हमें यही बताना है। तो देखो पिक्चर देखते पहले हम, देखो यहाँ पे कौन कौन से बच्चे बैठे हैं, क्या क्या नाम है उनके। एक का नाम क्या है, राजू, विजय, श्याम, मोहन, प्रमोद, मुन्नत, रीना, प्रभा, रीता, चारू, रंजना, विमला, सविता, ये सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। और देखो एक यहाँ पे कौन है, कौन खड़ी है यहाँ पे, एक टीचर खड़ी है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या पड़ा है, टेबल पड़ी है, एक चेयर पड़ी है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक यहाँ पे क्या है, चार्ट लगा हुआ है, और एक अलमारी है, अलमीरा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हमें क्या दिख रही है, इस पिक्चर में दिख रही है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फिर उसका हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, व्हाट थिंग्स आर बिहाइंड द टेबल। अब मैंने आपको बिहाइंड का मतलब बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिहाइंड का मतलब क्या होता है। तो बिहाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीछे वाली चीज़, किसी भी चीज़ के पीछे वाली चीज़। अब बोला है कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसके पीछे क्या क्या है, इसके पीछे क्या क्या है। देखो इसके पीछे पहले तो क्या पड़ी है, चेयर पड़ी है, पड़ी है चेयर वहाँ पे। फिर वहाँ पे क्या है, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, और फिर वहाँ पे क्या है, ये एक अलमीरा है, क्या है, एक अलमीरा है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया आंसर, चेयर, ब्लैक बोर्ड, अलमीरा, चेयर, ब्लैक बोर्ड और अलमीरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विमला इज सिटिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ रंजना। पहले ढूंढो विमला कहाँ बैठी है, विमला ये किसके सामने बैठी है, रंजना के सामने बैठी है। तो पूछा है कि सविता के सामने कौन बैठा है, तो सविता के सामने कौन बैठा है, चारू बैठी है, सविता के सामने कौन बैठा है, चारू बैठी है। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, केवल चारू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रमोद इज सिटिंग अमंगस्ट हूम। प्रमोद किसके बीच में बैठा है, तो प्रमोद कहाँ है पहले ये ढूंढो, प्रमोद ये रहा, प्रमोद किस किस के बीच में बैठा है। देखो यहाँ पे इसके इस तरफ रीता बैठी है और इस तरफ मुन्नत बैठी है, तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, रीता मुन्नत, रीता मुन्नत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू विजय। विजय के जस्ट पास में कौन बैठा है, विजय के जस्ट पास में कौन बैठा है, विजय कहाँ पर बैठा है, विजय ये रहा, तो विजय के जस्ट पास में कौन बैठा है, राजू, तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, राजू लिख दिया, हमने आंसर में क्या लिख दिया, राजू लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 दे रखे थे बुक के अंदर। हमने उनके आंसर्स कैसे लिखे, हमने पिक्चर को देखा, पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हमने उनके आंसर्स लिखे, ठीक है। तो पेज नंबर 20 तक आपका काम पूरा होना चाहिए। यहाँ पे 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।